प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वुहान यात्रा कई मामलों में यादगार रहेगी। इसमें राजनीति, संस्कृति और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ व्यक्तिगत समीकरण तीनों तत्वों को मिलाकर नया भारत चीन संबंध शुरू करने का आगाज किया गया। साफ साफ ये लग रहा था कि नरेंद्र मोदी और शी जिनपिंग दो देशों की सरकारों के प्रमुखों के रूप में नहीं बल्कि दो दोस्तों के रूप में मिलकर अपने अपने देश के लोगों को मित्र के रूप में सोचने का संदेश दे रहे थे। दो देशों की कूटनीति में इसे एक नए प्रयोग के रूप में देखा जा सकता है। ये तस्वीरें वुहान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की अनौपचारिक बातचीत की हैं। ये बातचीत दोनों नेताओं के बीच एक दूसरे की संस्कृति से जोड़ने के प्रयासों की एक वानगी है। तू है वही दिल ने जिसे अपना कहा, ये वादा रहा। ये हिंदी फिल्म का एक मशहूर गाना है जिसे दोनों नेताओं के बीच बातचीत के माहौल को सामान्य बनाने के लिए पेश किया गया। शुक्रवार को जब चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग पहली बार वुहान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले तो वहां की मशहूर हुबई म्यूजियम में पारंपरिक नृत्य प्रस्तुति के साथ प्रधानमंत्री का नए अंदाज में स्वागत किया गया। बीजिंग के बाहर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करके चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अनौपचारिक बातचीत के लिए सम्मान स्वरूप प्रोटोकॉल भी तोड़ा। प्रधानमंत्री के दौरे के पहले दिन चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग खुद हुबे के प्रांतीय संग्रहालय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मेजबान बने। यहां एक भव्य स्वागत समारोह आयोजित किया गया। चीन के राष्ट्रपति इस पूरे कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ रहे और घूमे। चीनी राष्ट्रपति ने खुद इस संग्रहालय में रखी गई धरोहरों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अवगत कराया। यहाँ दोनों नेताओं ने चीन की प्राचीन सभ्यता के ऐतिहासिक कला संग्रह और सांस्कृतिक प्राचीन कलाकृतियों का दीदार किया। कार्यक्रम के मुताबिक संग्रहालय में दोनों नेताओं को महज 20 मिनट रुकना था लेकिन ये 40 मिनट से ज्यादा समय तक चला। दोनों नेताओं के बीच अनौपचारिक मुलाकात का पहला दिन शुक्रवार को रात्रि भोज के साथ समाप्त हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति खास सम्मान दिखाते हुए शी जिनपिंग उन्हें छोड़ने कार तक गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे के दूसरे दिन की शुरुआत भी बेहद गर्मजोशी भरी रही। लग रहा था कि ये भारत और चीन के रिश्तों की एक नई सुबह है। दोनों नेताओं ने वुहान की मशहूर ईस्ट लेक के किनारे एक साथ सैर की और प्रकृति की खूबसूरती का नजारा किया। इससे पहले दोनों नेताओं के बीच 2014 में एक ऐसा नजारा दिखा था जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के साबरमती आश्रम में शी जिनपिंग का स्वागत किया था। वुहान झीलों की नगरी के नाम से मशहूर है। यहां दोनों नेताओं ने ईस्ट लेक में करीब एक घंटे तक नौका विहार का आनंद लिया। नौका विहार के बाद दोनों नेताओं में चाय पर चर्चा भी हुई। चीन की खास चाय की चुस्कियां लेते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शी जिनपिंग को चाय परोसने का भारतीय अंदाज भी समझाते नजर आए। भारत वापस लौटने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मेजबानी में आयोजित भोज में शामिल हुए। यहां शानदार चीनी लजीज और जायकेदार व्यंजन परोसे गए। प्रधानमंत्री के लिए आयोजित इस लंच के लिए जिस मेन्यू कार्ड को डिजाइन किया गया था उसमें भारतीय राष्ट्र ध्वज, तिरंगे के तीनों रंग और भारत के राष्ट्रीय पक्षी मोर की तस्वीर भी छपी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भले ही चीन से वापस लौट आए हैं लेकिन लोगों के दिलों में उनकी इस यात्रा की याद लंबे समय तक बाकी रहेगी। अखिलेश सुमन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी।